माइनक्राफ्ट एक बड़ा शांति भरा गेम है। उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हैं। एनिमल्स को टेम कर अपना पेट बना सकते हैं, विलेजर से ट्रेडिंग भी करते हैं और भी काफी सारी चीजें। लेकिन माइनक्राफ्ट में अभी भी ऐसी काफी सारी मिस्ट्रीज है जिससे कि आप और मैं अभी तक अनजान थे। तो आज वाली वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप फटाक से सब्सक्राइब करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। नंबर वन, माइनक्राफ्ट में हमारा क्रीपर बाकी होस्टाइल मॉब से कुछ ज्यादा ही अलग है। और ये कितना ज्यादा पावरफुल है, आई थिंक ये बात बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ के आता है कि ये क्रीपर आया कहाँ से। काफी लोगों का ये मानना है कि कोडिंग में एक एरर के कारण ये क्रीपर स्पॉन हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट्री हो जिससे कि आप और मैं अभी तक अनजान है। तो इस मिस्ट्री को समझाने के लिए आपको और मुझे एक ऐसे विलेज में जाना होगा जहाँ पर खाने की कमी से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पर खाने की कमी बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत थी और जो बची कुची क्रॉप्स होती है वो ये पिलेजर्स आकर खराब कर देते थे। और साथ के साथ ही काले बादल इस विलेज के ऊपर काले साए की तरह मंडराते थे क्योंकि जो भी लाइटनिंग बोल्ट गिरती थी इस विलेज को तहस नहस करके चले जाती थी। तो तभी सारे विलेजर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पर उनका खाना और कीमती सामान सेफ रह सकता है। और तभी जन्म होता है हमारे डेजर्ट पिरामिड का। और डेजर्ट पिरामिड के अंदर एक विलेजर इस कीमती सामान की रक्षा करने के लिए रुक जाता है और उसके हाथ में रह जाता है ये गन पाउडर। और फिर से एक ऐसी रात आती है जिससे कि हर विलेजर कांप उठता था और एक ऐसी तबाही दार बिजली सीधा पिरामिड पर आगे गिरती है जिससे वो पिरामिड तहस नहस हो जाता है। और बारिश रुकने के बाद जब वो सारे विलेजर उस पिरामिड के अंदर जाते हैं तो समझ लो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उनको दिखता है एक ऐसा मॉब जिसके कोई हाथ नहीं है और उसकी पूरी बॉडी हरी पड़ चुकी है। हाँ, उस धमाके ने इस विलेजर की पूरी लाइफ चेंज कर दी जो कि अब एक क्रीपर में बदल चुका है। और क्या आपको यहाँ पर कोई कनेक्शन फील हो रहा है? जब भी आप डेजर्ट पिरामिड के अंदर जाते हो तो आपको उनकी दीवारों पर क्रीपर का फेस देखने को जरूर मिलेगा। वैसे ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर टू, माइनक्राफ्ट में ये विलेजर्स कुछ ज्यादा ही लल्लू हैं। लेकिन यार एक बात बोलूं, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तुम हेबल्स भी चुरा लो इनसे, तुम इनसे ट्रेडिंग भी कर लो, तुम इनके घर में भी रह लो, ये फिर भी तुमको बस एक ही चीज बोलेंगे। वेल, अगर इनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ गए तो ये विलेजर्स भागने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन फिर कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट और थोड़ी देर बाद का सीन ऐसा होता है। खैर ये तो रहा हमारा नॉर्मल आयरन गोलम, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है, ब्लड गोलम। इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन आपको पता है कि ये नॉर्मल गोलम ये ब्लड गोलम कैसे बना, या ये सच में प्लेयर्स का खून पी लेता है? रुको, मैं आपको अभी सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये बात है उस टाइम की जब विलेजर्स को कोई डर नहीं होता था और एनिमल्स को मारने वाला भी कोई नहीं था और इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज भी काफी सारी हुआ करती थी। लेकिन फिर आता है वो टाइम जब धीरे धीरे ये प्लेयर्स स्पॉन होने लग गए। ये प्लेयर्स अपने फायदे के लिए एनिमल्स को बिना बात के मार दिया करते थे। धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होना शुरू हुई और ये विलेजर्स, इन प्लेयर्स ने विलेजर्स को तो सबसे ज्यादा तंग करा है। बिना बात के इनकी रिसोर्सेज ले लेते थे, इनके घर को नुकसान पहुंचाते थे, इवन इनको मार भी डालते थे। ये सब चीजें होते हुए आयरन गोलम देख रहा था, बट वो बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि इन प्लेयर्स ने अपने फायदे के लिए आयरन गोलम को भी नहीं छोड़ा। एंड काफी सारी थ्योरीज तो ये भी बताती है कि एक आयरन गोलम रेडस्टोन की टॉर्च के बीच में खड़ा होता है जिसको 5-6 गोलम्स ने कवर कर रखा है और आसमान से जैसे ही बिजली गिरती है वो ब्लड गोलम में बदल जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए आया है। जो प्लेयर्स एनिमल्स को मारते थे, विलेजर्स पर अत्याचार करते थे, ये गोलम उनको बेडरॉक के प्रिजन में बंद कर देता था। और कोई कोई प्लेयर्स तो भूख की वजह से उसी प्रिजन में मर जाते थे और जो बाकी बचते थे वो गेम लीव करके चले जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है, ये प्लेयर को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देता है और टेलीपोर्ट करने से पहले उसका गेम को भी हार्डकोर बना देता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, कितना सच्चा है कितना झूठा नीचे कमेंट में बताओ ना मेरे भाई। नंबर थ्री, वार्डन, माइनक्राफ्ट का नया बॉस। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने एंडर ड्रैगन और विदर के हार्ट्स भी मिला दिए ना तो भी वार्डन जितने हार्ट्स नहीं हो पाएंगे। और माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल आर्मर ये नेदरराइट को भी 2 हिट्स में तोड़ सकता है। खैर इसकी पावर के चर्चे तो बहुत कर लिए, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है जरा वो बताई जाए। तो कहानी जानने से पहले आपको ब्रायन के बारे में जानना होगा। ये एक ऐसा बंदा है जिसको इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना था और ब्रायन एक एंशियंट बिल्डर्स कम्युनिटी से बिलोंग करता था और इसकी पावरफुल बनने
की चाहत ने इसको एक बहुत बड़ी दिक्कत में ला खड़ा कर दिया। ये सीधा हीरो ब्रायन से मदद मांगने चले गया अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन हीरो ब्रायन ने उसको रिफ्यूज कर दिया। और जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ब्रायन से बात करना बंद कर दिया। इवन जो हमारे विलेजर्स थे वो इससे ट्रेड भी नहीं करते थे। और हीरो ब्रायन से मदद मांगने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि ये किसी भी विलेज में चले जाए कोई भी इससे ट्रेड करने के लिए या बात करने के लिए रेडी नहीं रहता था। तो इन सब चीजों से परेशान होकर ब्रायन डिसाइड करता है कि वो जमीन के अंदर जाकर रहेगा, जिससे कि वो अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सके। और कुछ ही देर बाद उसको कुछ ऐसी चीज दिखती है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। और वो इतना तो समझ चुका था ये जगह बिल्कुल कर्स्ड है, क्योंकि अगर वो किसी भी एनिमल्स को मारता था तो वो स्कल खुद पर खुद अपना एरिया बढ़ा लेते थे। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर कर ब्रायन अपना घर वहीं बना लेता है। और वो अपने आप को बिजी रखने के लिए इन स्कल्क के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी भी कर लिया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन एक सुबह जब वो उठता है उसकी पूरी बॉडी हरी बन चुकी है। हाँ, उन स्कल्क ने ब्रायन को अपना शिकार बना लिया और उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ब्रायन वहीं जमीन पर गिर जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो एक ऐसा क्रिएचर बन चुका था जो अब तक माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या ब्रायन ही वो एक ऐसा पर्सन है जो अब आकर वार्डन बन चुका है? और ब्रायन अपने घर को बचाने के लिए इन सब प्लेयर्स को दूर रखना चाहता है। ये सब थ्योरीज कहां से आई और किसने बनाई ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आगे आने वाले टाइम में ये वार्डन काफी लोगों की जान लेने वाला है। नंबर 4। वैसे तो आपने जॉइंट एलेक्स, हीरो ब्रायन और व्हाइट एंडरमैन के बारे में जरूर सुना होगा, ये तो हमारे पुराने एंटिटीज हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट में रिसेंटली एक ऐसा एंटिटी देखा गया है जिसको देखकर आपको शायद यकीन भी ना हो। वैसे खुद भी माइनक्राफ्ट में बड़े खतरनाक से एंटिटीज हैं, जैसे 3 सर वाला विदर, चमकते हुए दिल वाला वार्डन या टेलीपोर्ट वाली पावर के साथ हमारा एंडरमैन भी तो है। लेकिन आपने 4 आंखों वाला और 4 हाथों वाला एंटिटी देखा है? मैं दैट क्रीपिंग थिंग की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा एंटिटी है जिसके पास 4 आंखें स्पाइडर जैसे और हाथ भी काफी सारे हैं। और इस एंटिटी को पहली बार 4 नवंबर 2018 को देखा गया था। और इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हो कि पीछे की साइड कोई अजीब सा एंटिटी खड़ा हुआ है। और कोई कोई थ्योरिस्ट तो ये भी बताती हैं कि ये प्लेयर्स को दूर से खड़े होकर घूरता रहता है, और अगर प्लेयर ने इस पर अटैक करने की कोशिश करी या तो प्लेयर वर्ल्ड से ही गायब हो जाता था या तो उसका कुछ ऐसा हाल होता था। और कोई कोई थ्योरिस्ट ये भी बताती हैं कि ये प्लेयर्स को ट्रोल करके मारता है, जैसे कि किसी का घर TNT से उड़ा देना, किसी को वॉइड या लावा में गिरा देना, या तो किसी का रात को घर जलाकर भाग जाना। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि ये क्रीपिंग थिंग आया कहां से? तो इसकी स्टोरी जानने से पहले आपको जोरो के बारे में जानना होगा। ये वर्ल्ड का एक नॉर्मल पर्सन था, रेगुलरली अपनी फार्मिंग करता था, एनिमल्स को ब्रीड करवाता था और भी काफी सारे काम। लेकिन एक दिन केव के अंदर माइनिंग करते वक्त इसके ऊपर 5-6 स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया था। उस टाइम तो ये जैसे तैसे कर इन स्पाइडर से बच गया, लेकिन एक स्पाइडर की बाइट का निशान उस जोरो के हाथ पे रह जाता है। और दिन पर दिन स्पाइडर का पॉइजन उसके हाथ में फैलता हुआ जा रहा था। इन चीजों को इग्नोर कर वो अपने डेली काम वापस से करना शुरू हो गया। लेकिन एक सुबह जब वो अपनी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी 4 आंखें हो चुकी है और उसके हाथ भी बिल्कुल बदल चुके हैं। तो हो सकता है कि 5-6 स्पाइडर के अटैक की वजह से एक नॉर्मल पर्सन एक खतरनाक एंटिटी में बदल चुका है। वेल, आपको इन सब थ्योरीज के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड कांग्रेचुलेशंस टू Dipesh47 फॉर दिस स्मार्ट वॉच, क्योंकि उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा है, तो आप भी कर लो।